नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी और खास खबरों के साथ। एक बार फिर पाकिस्तान जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। करतारपुर कॉरिडोर समारोह के लिए इमरान सरकार ने भेजा न्योता। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या बनी अखाड़ा। विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा कल। 2 लाख राम भक्तों को जुटाने का लक्ष्य। बसपा सुप्रीमो मायावती राजस्थान में करेंगी 8 चुनाव रैलियां। सवाई माधोपुर और करौली से करेगी सबसे पहले चुनाव प्रचार। और प्रदेश में 8 विधानसभा में नोटा के लिए लगेगी अलग से मशीन। राज्य में 200 सीटों के लिए 2294 प्रत्याशी मैदान में। पंजाब सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर पाकिस्तान आने का न्योता मिला है। इस बार उन्हें करतारपुरा बॉर्डर गलियारा समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि भारत के पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर बॉर्डर गलियारा समारोह में भाग लेने के लिए यहां आ सकते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान 28 नवंबर को इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। सिद्धू ने स्थानीय मीडिया को बताया कि 28 नवंबर को होने वाले समारोह में उन्हें खान का निमंत्रण पाकर प्रसन्नता हुई है। पंजाब से सटे हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक छात्र ने बस में 7 संदिग्ध लोगों को देखा। उसके बाद से प्रदेश में अलर्ट जारी है। छात्र ने सफर के दौरान 7 बस में बैठे इन संदिग्धों की सूचना बकायदा धर्मशाला थाने में दी। छात्र का दावा है कि पठानकोट से धर्मशाला आ रही जिस बस में वह बैठा उसमें 7 संदिग्ध लोग सवार थे। छात्र ने पुलिस को बताया है कि वो HRTC बस में शाहपुरा से बैठा। बस की पिछली सीट पर 7 संदिग्ध लोग बैठे हुए थे। इसके बाद उसके व्हाट्सएप नंबर पर उसके दोस्त ने एक मैसेज भेजा। इसमें दिल्ली में 7 आतंकवादियों के ग्रुप की एंट्री को लेकर एक ऑडियो और फोटो था। छात्र का दावा है कि बस में बैठे 7 संदिग्धों में से एक का चेहरा व्हाट्सएप पर भेजे फोटो से हूबहू मिलता था। छात्र के बयानों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को अलर्ट किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए शुरू हुए आंदोलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद RSS और शिवसेना के साथ आमजन में भी उत्साह है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से रविवार को बड़े भक्तमाल की बगिया में विराट धर्म सभा का आयोजन किया है। इसमें करीब 2 लाख राम भक्तों को जुटाने का लक्ष्य है। मुंबई से शिव सैनिकों को लेकर विशेष ट्रेन अयोध्या पहुंची। 22 बोगी की ट्रेन से 2900 शिव सैनिक अयोध्या पहुंचे हैं। शिव सैनिकों के ट्रेन से उतरते ही पूरा स्टेशन परिसर जय शिवाजी जय भवानी के नारों से गूंज उठा। इन शिव सैनिकों का कहना था कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने आए हैं। मोदी ने अगर जल्दी मंदिर निर्माण को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो शिव सैनिक राम मंदिर का निर्माण करने में खुद सक्षम है। राजस्थान के रण में बहुजन समाज पार्टी के प्रचार अभियान को धार देने के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती 8 रैलियां करेंगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मायावती 25 व 26 नवंबर और 1 व 2 दिसंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। मायावती 25 नवंबर को सवाई माधोपुर और करौली में रैली करेंगी। 26 नवंबर को सूरजगढ़ और आमेर में मायावती की सभाएं होंगी। 1 दिसंबर को नदबई और बांदीकुई में बसपा की ओर से चुनावी रैली का आयोजन किया जाएगा। भाजपा विधायक प्रेम सिंह बाजोर ने नीमका थाना विधानसभा सीट के लिए भरे नामांकन पत्र में अपनी उम्र 61 वर्ष लिखी है। उन्होंने 2013 के आम चुनाव में शपथ पत्र में अपनी उम्र इतनी ही लिखी थी। यानी दोनों शपथ पत्रों के हिसाब से बीते 5 साल में बाजोर की उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। बाजोर के दोनों नामांकन पत्र और शपथ पत्र चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2003 के विधानसभा चुनाव में बाजोर ने नीमका थाना सीट से पहली बार जीत हासिल की थी। वर्ष 2008 में बाजोर फिर चुनावी दंगल में उतरे। तब शपथ पत्र में अपनी उम्र 56 वर्ष बताई थी। इसके बाद वर्ष 2013 में बाजोर ने चुनाव लड़ा। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में उम्र 61 वर्ष बताई। 17 नवंबर 2018 को प्रस्तुत शपथ पत्र में भी बाजोर की उम्र 61 वर्ष है। बीते 10 सालों में उनकी उम्र केवल 5 साल बढ़ी है। राज्य विधानसभा की 200 सीटों पर अब 2294 प्रत्याशी ही मैदान में रह गए हैं और इन सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और 5 सीटें अपने सहयोगी दल RLD, NCP एवं लोकतांत्रिक जनता दल को दी हैं। वहीं राष्ट्रीय दलों की मान्यता प्राप्त दलों में बसपा, CPI एवं CPM ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा 191, CPM 28 एवं CPI 16 सीटों पर मैदान में है। आम आदमी पार्टी के 143,
भारत वाहिनी पार्टी की 63 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 58 प्रत्याशी प्रदेश में पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं। उधर निर्वाचन विभाग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है और इसमें 2,00,000 नए मतदाताओं का इजाफा हुआ है। नए वोटरों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में पहली बार मतदाता सूचियों में थर्ड जेंडर मतदाताओं की अलग से जानकारी दी गई है। इनके अनुसार प्रदेश में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 238 है। प्रदेश में 8 विधानसभा में प्रत्याशी को ही नहीं बल्कि नोटा को वोट देने के लिए भी अलग से ईवीएम मशीन लगेगी। प्रदेश में 200 विधानसभाओं में एक साथ 7 दिसंबर को मतदान होना है। नामांकन वापसी के बाद प्रदेश की सभी 200 सीटों पर खड़े प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है। खास बात यह है कि प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहां 17वें प्रत्याशी नोटा के रूप में अतिरिक्त ईवीएम लगाई जाएगी, क्योंकि एक ईवीएम में 16 बटन ही है जिसमें 15 प्रत्याशी और 16वां बटन नोटा का होता है। जब वहां प्रत्याशी 16 हैं तो वहां नोटा के लिए अतिरिक्त ईवीएम मशीन लगेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर 3 साल से विमानों और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद भी कमर्शियल एरिया के लिए कंपनियां अपनी रुचि नहीं दिखा रही हैं। इस वजह से एयरपोर्ट को हर महीने करीब 20,00,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं यात्रियों को पूर्ण सुविधा नहीं मिल पा रही। इसकी मुख्य वजह पॉलिसी में कमर्शियल एरिया का किराया अधिक रखा जाना है। अंदर बाहर के कमर्शियल एरिया के लिए एयरपोर्ट प्रशासन कई बार टेंडर जारी कर चुके हैं, लेकिन किसी भी कंपनी ने इसे लेने में रुचि नहीं दिखाई। इस वित्तीय वर्ष में जयपुर एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर आधा दर्जन दुकानें खाली पड़ी हैं। इन दुकानों के खाली होने पर एयरपोर्ट प्रशासन कई बार टेंडर निकाल चुका है। निजी कंपनियों को लाने के लिए कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन निजी कंपनियां यहां आने को तैयार नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।